प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत अध्याय 17 उद्यमिता का विकास। उद्यमिता क्या है इसको हम देखेंगे यहाँ पर। उद्यमिता जो है किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग को प्रारंभ करने के लिए क्या नव प्रयास है। यहाँ नव प्रयास जो है वो आर्थिक क्रिया करने हेतु जहाँ उद्यमी स्वयं को रोजगार प्रदान करता है, वहीं अन्य वो आर्थिक क्रियाएं अर्थात रोजगार तथा पेशे का भी सृजन और विस्तार करता है। यहाँ पर जो है उद्यमी नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन जाता है। तो उद्यमिता से जो आशय है यहाँ पर एक ऐसे प्रयास से है कि आर्थिक क्रिया करने के लिए जो है स्वयं के द्वारा जो है व्यापार व्यवसाय उद्योग का संचालन करता है और यहाँ पर वो जो है रोजगार और पेशे का जो सृजन है और उसका विस्तार जो है वो स्वयं करता है। तो उद्यमिता जो है एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह की एक व्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें निर्णयों की एकीकृत श्रृंखला होती है। यह आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण के लिए एक लाभप्रद व्यवसायिक इकाई का निर्माण करता है, उसका संचालन करता है एवं विकास करता है। ये उद्यमिता है। उद्यमिता की जो विशेषताएं हैं, नंबर एक है नव प्रवर्तन। ये मूल प्रवृत्ति इसकी क्या है? नव प्रवर्तन। फर्म की दृष्टि से जो है नव प्रवर्तन या लागत को घटाने वाला या आगम को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इसमें नव प्रवर्तन में क्या करता है? नए उत्पाद की खोज करता है, नए बाजार की खोज करता है, नई तकनीक से उत्पादन करता है, नए संसाधनों का प्रयोग करता है, श्रेष्ठ व सस्ता संगठनात्मक रूप आदि को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर दूसरा जो है जोखिम उठाना। एक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए रोजगार या पेशे की तुलना में व्यावसायिक उद्योग हेतु उद्यम करना बड़ा जोखिम कार्य होता है। अर्थात एक व्यक्ति यदि नौकरी करता है तो उसके लिए उतना जोखिम पूर्ण कार्य वो नहीं है, जबकि व्यापार व्यवसाय उद्योग को करना जो है वो एक बड़े जोखिम का कार्य है, क्योंकि यहाँ एक पूर्व निश्चित कोई प्राप्तियाँ नहीं होती हैं। अर्थात यहाँ पर पहले से कोई एक निश्चित प्राप्ति की संभावना नहीं होती, तो इसमें जोखिम उठाता है। उद्यमिता की जो दूसरी विशेषता है जोखिम उठाना। तीसरा जो व्यवस्थित क्रिया। उद्यमिता जो है ये कौशल व ज्ञान पर आधारित क्रिया है, ये बिना औपचारिक ज्ञान के अर्जित नहीं होता। अर्थात जिसमें कोई क्वालिफिकेशन विशेष अनुभव हो उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता। ये जो है एक व्यवस्थित चरणबद्ध व उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। उद्यमी बनते हैं, पैदा नहीं होते। अर्थात अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपने अनुभव के आधार पर जो है विभिन्न विशिष्ट चरणों पर काम करते हुए जो है उद्यमी तैयार होते हैं। फिर वैधानिक व उद्देश्यपूर्ण क्रिया। उद्यमिता का जो उद्देश्य है देश के नियमों व कानूनों के अंतर्गत व्यवसाय करना है, गैर कानूनी व्यवहारों से बड़े लाभ को प्राप्त करने की लिए जोखिम उठाने से नहीं है। इसका उद्देश्य जो है स्वयं के साथ सामाजिक लाभों की प्राप्ति हेतु मूल्यों का सृजन करना है। अर्थात उद्यमिता के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वो वैधानिक होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए यदि हम गैरकानूनी कार्य करते हैं, अधिक जोखिम उठाते हैं, तो ये उचित नहीं है। यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है कि स्वयं के साथ सामाजिक लाभ भी उसको प्राप्त हो। फिर उत्पत्ति के साधनों का संगठन। यहाँ पर जो उत्पत्ति के साधनों के संयोजन से उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उत्पत्ति के जो साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, यहाँ पर ये उसका क्या है? संयोजन है। उद्यमी अपने व्यवसायिक ज्ञान के आधार पर इन संसाधनों को गतिशील करके एक उत्पादक फर्म के रूप में परिवर्तित करता है। तो वो उद्यमी जो है वो अपने व्यवसायिक ज्ञान के आधार पर इन उत्पत्ति के साधनों को संगठित करता है और एक उत्पादक फर्म के रूप में उन्हें कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। चूंकि उद्यमी के पास ये साधन नहीं होते लेकिन एक सृजनात्मक विचार होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उद्यमी के पास जो है ये सब साधन एक साथ नहीं होते लेकिन उसके पास एक विचार होता है और ये विचार सृजनात्मक होता है, एक नई चीज को साकार रूप में परिवर्तित करने की उसके मन में एक विचारधारा होती है। वो इस विचार को वास्तविकता में परिवर्तन करने हेतु साधनों को एकत्रित करता है और एक उद्यम की स्थापना के रूप में जोखिम को उठाता है। तो यहाँ पर वो अपने सृजनात्मक विचार को साकार करने के लिए
इन उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करता है और एक उद्यम की स्थापना करके स्वयं जोखिम को उठाता है। फिर ओपन प्रणाली, ये उद्यमता जो है एक आर्थिक क्रिया के साथ साथ वातावरण से जुड़ी हुई खुली प्रणाली है। सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं भौतिक वातावरण के घटक एवं उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखकर जो है उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास होता है। इसके बाद है उद्यमिता की आवश्यकता क्या है या उसका महत्व क्या है। तो उद्यमिता जो है देश के विकास में सहायक है। देश के तीव्र औद्योगिक विकास में जो है उद्यमिता के माध्यम से संभव है। उद्यमिता उद्यमी में ऐसे गुणों को भरता है जिससे वह उद्योग जगत का सूत्रधार बनकर देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। नए नए उद्यमी जो हैं वो अपने नए नए उद्योगों की स्थापना करके देश का तेजी से औद्योगिक विकास करते हैं। फिर ये सतत प्रक्रिया है। उद्यमी जो है सदैव उद्योग में नए नए आविष्कार कर बाजार की परिवर्तित दशा के अनुसार जो है उद्यमी सदैव अपने नए प्रयास से बाजार दशा के अनुसार उत्पादन करता रहता है जिसकी मांग देश विदेश में भी होती है। फिर रोजगार उपलब्ध कराना। उत्पादक जो है उद्यमिता जियो और जीने दो की नीति पर कार्य करता है। वो नए विचार के साथ व्यवसाय में प्रवेश कर स्वयं के साथ अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो उद्यमिता के माध्यम से जो है स्वयं को रोजगार और बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो जियो और जीने दो की नीति पर यह कार्य करता है। संसाधनों का यह बेहतर उपयोग करता है। उद्यमी जो है पूर्ण रूप से जोखिम उठाता है। अपने साहस के बदौलत जो है मानवीय संसाधनों का अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करता है। फिर आत्मनिर्भरता का विकास। उद्यमिता से उत्पादन, व्यापार एवं विपणन को प्रोत्साहन मिलता है जिससे परिणाम स्वरूप व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की आय बढ़ती है और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। भारत सरकार के द्वारा जो है उद्यमियों को औद्योगिक विकास के जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उद्यमियों की सहायता के लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ की गई। तो ये देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने व नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु और मजबूत परिस्थितिक निर्माण के लिए जो है स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये प्रारंभ की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक व्यवसायिक उद्यमिता को बढ़ाना। तो स्टार्टअप योजना जो है वो इकाई है जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है और जिसका टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। ये जो है बौद्धिक संपदा व तकनीकों से प्रेरित नए उत्पाद, सेवाओं का नवाचार, विकास या व्यवसायीकरण की दिशा में कार्य करती है। तो स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जो है नव प्रवर्तन के लिए उद्यमियों की सहायता के लिए जो है स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत जो है 10 करोड़ रुपये तक का ऋण युवा वर्गों को प्रदान किया जा रहा है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत जो है छोटे बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से हर तरह से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही व्यापार व्यवसाय उद्योग हेतु उचित मार्गदर्शन स्किल इंडिया के तहत जो है प्रोग्राम चलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ऐसे युवा जो शिक्षित हैं, वैज्ञानिक जिसमें तकनीक है, नई तकनीक वाले और कुशलता हैं, ये उद्यमीशीलता की श्रेष्ठ व पसंदगी के रूप में चुनेंगे। समाज के सभी वर्ग एवं महिलाओं में उद्यमशीलता का विकास होगा। तो इसका जो उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया योजना का कि ऐसे युवा जो शिक्षित हैं, जिसमें वैज्ञानिक तक के गुण हैं, तकनीकी हैं, कुशल हैं और वे अपनी उद्यमता के आधार पर जो है बेहतर रूप से उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए जो है शासन ने 10 करोड़ रुपये तक के ऋण का प्रावधान स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से किया है। इसकी जो कार्य योजना है स्वप्रमाणन पर आधारित व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो है ये व्यवस्था सरल व लचीली होने के साथ साथ निरीक्षण अधिक सार्थक व सरल होगा। यहाँ पर जो है उद्यमी के द्वारा जो है स्वप्रमाणित रूप से ये प्रमाणित यहाँ पर किया जाएगा कि उसके द्वारा जो है ये व्यापार व्यवसाय उद्योग स्थापित किया जा रहा है और निरीक्षण भी जो उसका होगा वो अधिक सार्थक और सरल होगा। फिर स्टार्टअप इंडिया हब,
इसके लिए जो है पूरे परितंत्र के लिए केवल एक संपर्क केंद्र का निर्माण जिसमें वित्त पोषण व विनिमय एक ही स्थान पर हो सके, अर्थात एक ही स्थान पर उसको वित्त जो है प्राप्त हो सके। फिर पेटेंट परीक्षण, स्टार्टअप को उनके नव प्रवर्तन के लिए कानूनी सहायता व कम दर पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन का संरक्षण प्रदान किया जाना। फिर पूंजी व्यवस्था, सरकार जो है प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपए की एक प्रारंभिक निधि जो है और 4 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए की निधि की स्थापना करेगी। फिर क्रेडिट गारंटी, समाज के सभी वर्गों के उद्यमियों के लिए स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी फंड मुहैया ये उपलब्ध कराता है। साथ ही कर में छूट, पूंजी लाभ कर में छूट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है 3 वर्षों के लिए स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए कर से ये छूट रहेगी। तो स्टार्टअप योजना की जो एक कार्य योजना है ये, इसके जो कोष के तरीके हैं, स्टार्टअप कोष के तरीके, तो यहाँ पर सरकारी योजना के अंतर्गत स्टार्टअप पूंजी तथा बैंक ऋण के अलावा स्टार्टअप कोष के लिए जो है निम्न अपनाए उपाय जो है अपनाए गए हैं। नंबर एक जो है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का जो आशय है वो स्वयं वित्तीय से होता है, अर्थात स्वयं की जो पूंजी लगा रहा है यहाँ पर, जो बगैर किसी बाहरी मदद से या अपने ही बचत से, अपने ही संसाधनों से व्यवसाय को प्रारंभ करता है, तो इसका जो है मूल रूप ये स्वयं वित्तीय, अर्थात बिना किसी बाहरी कोष के अपने स्वयं की बचत और संसाधनों से व्यवसाय को प्रारंभ करता है। ये स्वपूंजी पर आधारित है, स्वयं की अपनी पूंजी पर आधारित है, किंतु इसमें पूंजी समाप्त होने का जोखिम जो है वो बना रहता है। यह विकल्प तभी अच्छा होता है जब प्रारंभिक आवश्यकता कम हो। यहाँ बाहरी निवेशकों की अनुपस्थिति में कंपनी के प्रति लोगों में विश्वसनीयता का अभाव रहता है। तो बूट स्ट्रैपिंग जो है वो एक प्रकार से स्वित्तीय है, अर्थात स्वयं की अपनी पूंजी से व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ करना। चूँकि इसमें पूंजी एक निश्चित सीमा तक के पास उसके पास होती है और एक समय पश्चात उसकी पूंजी समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो उसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय उद्योग को संचालित कर सकता है जिसमें ओपनिंग रिक्वायरमेंट कम है, प्रारंभिक आवश्यकता जो है वो कम है। साथ ही यहाँ पर बाहरी लोगों की पूंजी इसमें नहीं लगी रहती, तो उनकी अनुपस्थिति रहती है, ऐसी स्थिति में आम लोगों के बीच में विश्वसनीयता का अभाव होता है, तो ये बूट स्ट्रैपिंग। दूसरा है एंजल निवेश। एंजल निवेश जो है ऐसे लोग जो स्वयं को व्यवसाय में सफल बनाकर बड़ी अतिरेक राशि के स्वामी हैं, बड़े उद्योगपति या बड़े पूंजीपति जो कि पूर्व से व्यापार व्यवसाय उद्योग को संचालित कर रहे थे और एक आज अच्छी पोजीशन में, अच्छी लाभकारी पोजीशन में उनके पास एक बड़ा फंड है, तो वे युवा उद्यमियों या स्टार्टअप की विनियोग द्वारा सहायता करना चाहते हैं। ये उनको व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बीज धन या प्रारंभिक चलते व्यवसाय में एक बार कोष उपलब्ध कराते हैं, अर्थात ऐसे उद्यमियों को जो कि अपना व्यापार व्यवसाय उद्योग संचालित करना चाहते हैं, जो पूर्व से स्थापित हैं, उनकी द्वारा जो है यहाँ पर जो है धन प्रारंभ किया जाता है। बस आवश्यक समय पर ये परामर्श भी देते हैं, इस प्रकार व्यवसाय की सफलता में उनका निजी हित भी होता है। तो ये जो है 2 प्रकार के यहाँ पर उपाय हैं, बूट स्ट्रैपिंग और एंजल निवेश। तीसरा जो है जन सहयोग या क्राउड फंडिंग। ये व्यक्तियों के समूह द्वारा एक सामान्य लक्ष्य के लिए संसाधनों को एक जगह एकत्रित करने की विधि है, अर्थात जन सहयोग से पूंजी बढ़ाने की विधि है। एक जन सहयोग से ये कलेक्शन किया जाता है, इसमें इक्विटी नेट, सर्किल अप, क्राउड फंडर द्वारा वित्त की प्राप्ति की जाती है। इसमें व्यवसाय करने वाले को अपने व्यवसाय की दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से प्रदर्शित करके अपने विचारों को बेचने की आवश्यकता होती है, जिससे जांच उपरांत ये कोष प्राप्त होता है। तो ये जन सहयोग या क्राउड फंडिंग। इसके बाद वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल जो है एक प्रकार की निजी इक्विटी है जिसके द्वारा नई फर्में, छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप जिनके विकास की अपार संभावना या क्षमता होती हैं, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वास्तव में ये एक पेशेवर प्रबंधन कोष है, पेशेवर प्रबंधन कोष।
जो अपार क्षमता वाली इकाई में निवेशित किया जाता है। वेंचर निवेशक को इन स्टार्टअप के वित्तीयन में जोखिम की संभावना होती है, अतः कंपनी के नियंत्रण का एक बड़ा भाग जो है स्वामित्व भी अपने पास रखते हैं। तो ये जो है वेंचर कैपिटल के रूप में यहाँ पर मौद्रिक रूप के अलावा, मौद्रिक सहायता के अलावा जो है तकनीकी या प्रबंधकीय कुशलता के रूप में भी सहायता प्रदान करते ये वेंचर कैपिटल। से जुड़े हुए प्रश्न उद्यमिता से आशय और उसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, फिर देश में उद्यमिता की आवश्यकता या महत्व पर प्रकाश डालिए, स्टार्टअप इंडिया योजना से क्या आशय है या नव उद्यमियों के लिए किस प्रकार से मददगार है स्पष्ट कीजिए, फिर स्टार्टअप योजना की कार्य योजना को समझाइए और स्टार्टअप कोर्स के लिए अपनाए जाने वाले निम्न जो उपाय हैं जिनमें बूटस्ट्रैपिंग, जन सहयोग या क्राउड फंडिंग, एंजल निवेश और वेंचर कैपिटल, उनको समझाइए।